यार कंफर्म करो, स्क्रीन वीडियो आवाज सब क्लियर है ताकि रिकॉर्डिंग में इशू ना हो। तो हम शुरू कर लें। चलें जी। सर अगेन अपने पहले चैप्टर के हम चौथे टॉपिक पे हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर हमने पढ़ा के तीन चीजें हम करेंगे कवर। एक ये कि भाई लाइसेंस मिलता है एक कंपनी को, सही है, एक वेलफेयर कंपनी को लाइसेंस मिलता है कंपनीज एक्ट के तहत, सही, कमीशन से, तो वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बन जाती है अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब वो लाइसेंस मिलता है कुछ कंडीशंस पूरी करने पे, जो उस दिन हमने पढ़ा था कि पहले तो एलिजिबल हो कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे कि उनको प्रमोट करती हो, कॉमर्स आर्ट्स साइंस रिलीजन रिसर्च एजुकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो डिविडेंड है वो नहीं देते हो मेंबर को, दैट मींस के जो पैसा होता है वो अपने ही ऑब्जेक्ट्स पे प्रमोट करने में लगा रही है, सही है जी। और फिर नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। फिर हमने एक जनरल चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कमीशन लगा दे, सही है जी। फिर दूसरा एस्पेक्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एक तो लाइसेंस मिलेगा कैसे, वो हमने देख लिया, आज हम देखेंगे कि लाइसेंस रिवोक कैसे होगा। रिवोक कौन करेगा? सर कमीशन करेगा, क्योंकि लाइसेंस दे कमीशन रहा है तो रिवोक भी कमीशन करेगा, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई लाइसेंस रिवोक कैसे होता है, और लाइसेंस रिवोक हो गया फिर हम देखेंगे रिवोक हो गया तो अब इसके मसले मसाइल क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो, ठीक है जी। तो आज लाइसेंस रिवोक हो गया ना एक दफा, अब ये कि एक होता है होल्ड कर देते हैं, रिन्यू नहीं हो रहा, रिवोक हो गया तो खत्म, ठीक है, रिवोक हो गया तो अब उसके कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ चली जाती है, ठीक है। एक होता है रिन्यू नहीं हो रहा, रिन्यू में डिले आ गया है, उससे वाइंडिंग अप नहीं होती है, ठीक है। आगे जी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सही जी। आज की क्लास में हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया कि लाइसेंस मिलता कैसे, अब हम देखने जा रहे हैं कि लाइसेंस रिवोक कैसे हो रहा है। सर ये बताता है रीजंस फॉर रिवोकेशन, कहता है द कमीशन में, कमीशन में ये एक लव गौर करने वाला है, कमीशन में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिवोक अ लाइसेंस ग्रांटेड विद सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट ऑन बींग सेटिस्फाइड। कह रहा है कुछ चीजें हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी बिना पे कमीशन जो है लाइसेंस रिवोक कर सकता है, कमीशन जो है लाइसेंस रिवोक कर सकता है। अब उसके लिए क्या होगा भाई? कह रहा है मे कर सकता है, सही है, चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो रिटर्न में देगा लिख के, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, मतलब कि वो भाई बुलाता है इस रीजन से मैं तुम्हारा जो है लाइसेंस रिवोक करने जा रहा हूँ फला रीजन की वजह से, तुम बताओ कि मैं क्यों ना करूँ, जस्टिफाई करो, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है मे, जरूरी नहीं है कि जो रीजन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हो गए तो 100% लाइसेंस कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट दी जाएगी कमीशन की तरफ से, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनको जस्टिफाइड लगा तो वो नहीं करेंगे, ठीक है जी। सर कौन से रीजन हैं, कौन से रीजन हैं? तो मैं नहीं लगता कि जो हमने कंडीशन पढ़ी, ठीक है, पीछे लाइसेंस मिलेगा, अगर उनमें से कोई टूट गई तो वो रीजन भी बन गया रिवोकेशन का, सही है। कहता है द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स और कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज ग्रांटेड। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन थी भाई? डिविडेंड नहीं देना, डिविडेंड दे दिया, ठीक है, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी उससे कंप्लाई नहीं किया, अब अपोजिट हो गया लाइसेंस जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर कहता है एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड और एनी रेलिवेंट रेगुलेशन आर नॉट मेट और कंप्लाई विद। पॉइंट नंबर सिक्स जो मैंने तुम्हें कहा था, जिसमें कहा था कि वो एडिशनल
रिक्वायरमेंट लगा सकता है या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकता है, कहता है उसकी खिलाफ वर्जी कर ली, ठीक है, तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। या फिर जो नॉर्मल कंडीशंस हमने पढ़ी थी उसकी खिलाफ वर्जी कर ली, तो हो सकता है कि लाइसेंस रिवोक हो जाए, हो सकता है। देखना लफ्ज पे गौर करना, हो सकता है। फिर कहता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, के जो अफेयर्स हैं कंपनी के वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों की भलाई नहीं कर रहे हो, भाई मैं एक एनजीओ हूँ, ठीक है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं इफ्तार ड्राइव्स कराता हूँ, बड़ी सी इफ्तार ड्राइव कराता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब इफ्तार ड्राइव कराता हूँ, मैं बोलता हूँ शारया फैसल पे कराऊंगा, 2 घंटे के लिए शारया फैसल बंद, ठीक है, तो क्या ये प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। एक मिसाल है कि भले आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उस अच्छे काम से पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है, तो बहुत छोटी सी मिसाल थी मैंने, इससे बड़े बड़े केस अगर, ठीक है, तो कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आम आवाम को नुकसान या तकलीफ पहुंच रही हो, ठीक है जी। फिर द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेकटिव फाइनेंशियल ईयर्स। सही है जी, मेरा फाइनेंशियल ईयर है जून 30, 2022। कहता है प्रीसीडिंग 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर तुमने नहीं जमा कराया, ठीक है, पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमीशन को नहीं जमा कराए, तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। एक हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स वगैरह ना, उसमें हम पढ़ेंगे कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने इतने दिनों में एसईसीपी के पास जमा कराने, ठीक है। अब भाई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को क्यों जमा कराने, जाहिर सी बात है भाई वो देखेगा ना कि आप डोनेशन ले रहे हो बड़े पैमाने पे, करोड़ों में डोनेशन। आप देखें आजकल जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट टीवी पे बहुत नजर आ रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया खुले नजर आ रहे हैं, सही है, इफ्तार करा रहे हैं, सहरियां करा रहे हैं लोगों को, डायलिसिस सेंटर्स वगैरह वगैरह, सर खाने, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, बैकएंड पे देखो कितना ज्यादा पैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, डोनर से आ रहा है। जब डोनर से आ रहा है तो क्या हिसाब किताब नहीं दोगे, बिल्कुल देंगे। तो इसलिए अगर वो कह दें कि भाई नहीं हम सिर्फ मसरूफ हैं भलाई का काम करने में, हम अपने अकाउंट्स नहीं बना रहे, ठीक है, हम अपने अकाउंट्स नहीं बना रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ लोगों की खिदमत करने में मसरूफ हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपने हर साल अपने अकाउंट्स जमा कराने, अगर 2 सालों के नहीं कराए तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है, ठीक है जी। फिर द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, क्या ये पॉइंट हमने उसमें भी पढ़ा था, ठीक है, कंडीशंस जब लाइसेंस मिलने वाली कंडीशंस के अंदर इससे मिलता जुलता पॉइंट था, ठीक है। तो कहता है कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, देख रहे हो उस वक्त वो एसोसिएशन का लफ्ज कह रहा था, ठीक है, वो जब लाइसेंस देना चाह रहा था तो वो एसोसिएट एसोसिएशन, सही है। अब वो क्या कह रहा है, लाइसेंस मिल गया है, सही है, सवाल जो हमने देखा था कि जीटा एसोसिएट कंपनी जो है सेक्शन 42 के तहत एनपीओ बनने जा रही है, कंडीशंस बता दो, उसमें कोई एसोसिएट का लफ्ज यूज कर रहा है। अब यहाँ पे वो कंपनी का लफ्ज यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि लाइसेंस मिल गया तो कंपनी बन चुकी है, ठीक है, कंपनी बन चुकी है, इसलिए देख रहा है द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट। सही है, ये क्या कह रहा है कि भाई इधर कह रहा था पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यहाँ कह रहा है नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मुल्क के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वही जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक आप चला रहे हो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है, लेकिन उसकी आड़ में आप क्या कर रहे हो भाई, दहशत गर्दों की ट्रेनिंग कर रहे हो, असला इधर से उधर लेके जा रहे हो, तो ये क्या है, हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, इंटेग्रिटी के खिलाफ है। और इसके अलावा भाई किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, आप यहाँ आके उन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। लेट से जैसे मिसाल ले लो, हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं,
सही। और बलूचिस्तान में चाइनीज बहुत हैं सी पैक की वजह से। तो आप एनजीओ हो, आप एनजीओ के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि वहां चाइनीज को मार रहे हो ताकि हम दो मुल्कों के हालात आपस में ताल्लुकात खराब हो जाएं? नहीं, देखो ए के अंदर उसने कवर किया, लेकिन वहां पे वो देखो ये वाली बात नहीं कर रहा था, फॉरेन स्टेट वाली बात नहीं कर रहा था, ठीक है? कहीं कहीं ऐसे लगे ना कि रिपीटेटिव नेचर का है, लेकिन अगर लॉ में है तो आप लिखना, ठीक है? लॉ में है तो आपको लिखना है, सही है जी। फिर द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो 3। जब मैं आपको कल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ा रहा था तो हमने कहा था कि भाई कमीशन कहता है कुछ कंडीशंस पूरी कर लो तो तुम्हें पब्लिक कंपनी बना दूंगा। तो उस वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि मिनिमम नंबर कितने होंगे, तुम सबने कहा था 3, ठीक है? तो अभी कह रहा है इसलिए अगर 3 से कम हो गए तो हो सकता है कि तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हो जाए, ठीक है जी। तो इसलिए उसने लफ्ज किया ना मे, ठीक है? उसको लगेगा लॉजिकली जो है ना भाई बंदा मर गया, वो बोलेगा चलो यार लगा लो तीसरा बंदा, ठीक है? तो मेरे वो 100% नहीं बोल रहा, वो यहाँ पे इसलिए मैंने इस लव पे गौर करवाया था। सही है जी, आगे बढ़े। फिर हमारे पास आता है एक पॉइंट, द कंपनी इज, अब ये थोड़ा सा 3-4 बुलेट पे मुश्तमिल पॉइंट है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इज कंसीव और ब्रॉट फोर्थ फॉर और इज और हैज बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। कि आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो, आप क्या करने लगे हो? आप फ्रॉड करने लगे हो, यहाँ फ्रॉड करते हुए आ रहे हो, ठीक है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, आप पैसा लेते हो कैश, क्योंकि भाई एनपीओ के पास कैश बहुत होता है डोनेशन बॉक्सेस में, ठीक है? अब आपको चंदा मिल रहा है, आप कह रहे हो कि हम एजुकेशन पे लगाएंगे, दिखाने के लिए एजुकेशन चल रही है लेकिन बैक एंड पे वो पैसा मौज मस्ती में लगा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा होगा तो क्या होंगी? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होंगी और आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। फिर कंपनी इज, अब इसको यहां से जोड़ जोड़ के पढ़ना है हर पॉइंट को। कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स और दे कमिट फ्रॉड मिसफीसेंस और मॉल फीसेंस इन रिलेशन टू द कंपनी। कह रहा है कंपनी जो है ना वो ऐसे बंदे चला रहे हैं जो प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स नहीं बना रहे, ठीक है? अब ये क्या कर रहे हैं, इसको मैं बोल दूं कि अगर हेरा फेरी कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है? एक चीज दिखा ज्यादा रहे, खर्चा कम हुआ होगा। लेट से मैं दिखा रहा हूँ 100 रुपए की ये चीज आई, आई 70 रुपए क्योंकि 30 रुपए मैंने जेब में डाल दिए, ठीक है? तो ऐसी चीजें हो रही हैं, या मिस फीसेंस और मॉल फीसेंस मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्या कर रहे हैं, हेरा फेरी, गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है? गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं जो उनके अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। फिर भाई कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है भाई? जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस लॉ पढ़ा था उनको पता होगा मनी लॉन्ड्रिंग हमने बहुत डिटेल में कवर किया था वहां। कह रहा है कि जो लोग आपकी कंपनी चला रहे हैं वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। सबसे एक अच्छी सोर्स ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक पैसा छुपाने का, कि आप एसोसिएशन एनपीओ खोल लो, ठीक है? क्योंकि वहां शक कम जाता है। तो इसलिए उसने कर लिया कि भाई अगर ऐसा करोगे तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है, ठीक है? लाइसेंस रिवोक हो सकता है, या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो दहशत गर्दों को। आपका कुछ साल पहले एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसमें पिशावर अटैक के बाद, ठीक है, उसमें एनपीओज को भी बहुत टारगेट किया गया था क्योंकि ये सामने आया था कि बहुत सारी एनपीओज क्या कर रही हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मुलविस हैं बाहर की एनपीओज, ठीक है? तो अगर ऐसा करोगे तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। फिर अभी वही पॉइंट चल रहा है जी, ठीक है? जी का चौथा, कंपनी इज मैनेज्ड बाय पर्सन्स हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ठीक है, और प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, और फेल्ड टू कैरी आउट द डायरेक्शन एंड डिसीजन ऑफ द कमीशन और द रजिस्ट्रार,
गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, कहता है कि अगर आपकी आपकी कंपनी ऐसे लोग चला रहे हैं जो कहते हैं कि मेमोरेंडम गया साइड पे, आर्टिकल्स गया तेल लेने, ठीक है, और कंपनीज एक्ट को तो हम मानते ही नहीं है, और जो डिसीजन कमीशन कोई डिसीजन दे रहा है, रजिस्ट्रार कोई रूलिंग दे रहा है, ठीक है, कोई हुक्म दे रहा है, तो आप उसको नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो ये कहने का मकसद इन शॉर्ट, अगर आप अपने आर्टिकल्स के तहत नहीं चलोगे, मेमोरेंडम के तहत नहीं चलोगे, कंपनीज एक्ट के तहत नहीं चलोगे, या फिर अगर कोई डिसीजन दिया कमीशन ने या रजिस्ट्रार ने आप उसको नहीं मान रहे हो, तो आप क्या हो सकते हो, आपकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर जी, अब आते हैं पॉइंट नंबर जी का 5। कह रहा है नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इन नॉट ऑपरेशन फॉर 1 ईयर। सही है जी, कह रहा है कि अगर आपके ऑपरेशन में, अगर आपके ऑपरेशन में 1 साल का गैप आ गया, ठीक है, 1 साल का गैप आ गया, या आपके ऑपरेशन 1 साल के लिए अगर बंद हो गए हैं, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। ठीक है, कि आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं, लेट से आप बोलते हो एम्बुलेंस सर्विसेज देंगे, 1 साल से बंद है, 1 साल से चल नहीं रहे, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो लाइसेंस मिलने की जो कंडीशन थी वो बहुत कम थी, लाइसेंस रिवोक हो सकता है, उसके रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, और जी के फिर फर्दर 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब पॉइंट नंबर एच, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक। मैंने कहा था कि तुम ऐसे सेंटेंस लॉ में बहुत सारे देखोगे जो थोड़े जर्नल नेचर के होंगे, क्योंकि वो पहले कोशिश करता है सारे पॉइंट्स कवर कर ले, ठीक है, अब फिर वो एक जर्नल लाइन डाल देगा कि अगर कोई पॉइंट रह गया तो उस पॉइंट के तहत कवर हो जाए, कोई रीजन रह गया, कमीशन को लगता है कि भाई आपका बंद होना जस्ट एंड इक्विटेबल है, ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई आपका लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए किसी ऐसे रीजन की वजह से जो शायद यहाँ पे नहीं हो, ठीक है, तो कमीशन आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो भाई पहले जो लॉ होता था ना, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, तब रिवोकेशन के रीजन कम होते थे, इसलिए जो पास पेपर में सवाल है वो 4-4 नंबर के दिखेंगे आपको, ठीक है जी, लेकिन जितने भी नंबर का सवाल हो, सही है, अनटिल और अनलेस के वो खुद कह दे कि कोई 4-5 रीजन बता दो, कोई 4 रीजन बता दो लाइसेंस रिवोक होने के, तो आप उतने लिखोगे, वरना बगैर मार्क्स को देखे आपको पूरे रीजन लिखने होंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात? फिर भाई एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने शुरू में डिस्कस कर ली थी, कह रहा है हाउएवर बिफोर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड, इससे पहले के लाइसेंस रिवोक हो, द कमीशन शेल गिव टू द कंपनी अ नोटिस, एक नोटिस देगी राइटिंग में, ठीक है जी, ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो, कि हम भाई आपका लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं, एंड शेल अफोर्ड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, कि भाई आप उसको सुनो तो सही, पहले उसको सुनो तो सही, आप अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, उसको बुलाओगे, नोटिस दोगे, वो आएगा, जस्टिफाई कर दिया उसने, तो हो सकता है कि लाइसेंस रिवोक ना हो। सही है जी, तो इस यहां तक किसी को कोई मसला? अब हम तुमने देखा ये ऐसा टॉपिक, इस चैप्टर का ऐसा टॉपिक है जिसके हर कॉन्सेप्ट के ऊपर पास पेपर का सवाल मौजूद है। पहला वाला कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर हमने जीटा एसोसिएट किया, अब ये वाला कॉन्सेप्ट है लाइसेंस रिवोकेशन का, एक अल्फाला वाला सवाल है। इस टॉपिक से 11 नंबर का सवाल है, स्प्रिंग 11 में, देख रहे हो, इसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स कवर कर रहा है। पढ़ो, अल्फाला एसोसिएट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, अभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल रहा है, कंपनी नहीं बोल रहा, मतलब शायद लाइसेंस नहीं मिला। इट वॉन्ट्स टू रजिस्टर इट सेल्फ एज अ लिमिटेड कंपनी बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड, ठीक है, कि अभी एनपीओ बनी नहीं है, अभी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो एनपीओ बनने जा रही है, और साथ में क्या करने बोले, कौन सी कंपनी बनने जा रही है, लिमिटेड कंपनी, लेकिन साथ में लिमिटेड लगाना नहीं चाह रही, तो हिंट मिल गया कि एनपीओ बनना चाह रही है। ठीक है, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कंडीशंस, वो कंडीशंस बता दो दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर द कमीशन में इशू
इट अ लाइसेंस एंड अलाउ इट टू डिस्पेंस विद द वर्ड लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम। तो क्या ये जीटा एसोसिएट्स वाला ही है? देखो नवीद, जब वो नोटिस देगा ना कमीशन, तो उसमें लिखा होगा कि भाई इतने इतने दिन में आप पहुंचो इधर, ठीक है, इतने इतने दिन में। वो उसका इख्तियार है, वो उसका इख्तियार है कि आपको कितना जल्दी बुला रहे हो, ठीक है। सही है भाई, तो ये क्या इस ये वाले पॉइंट्स वही जीटा एसोसिएट वाले पॉइंट्स हैं? उधर जीटा एसोसिएट था, वो काट के अलफला कर दो, तो सेम वही सवाल है। अब उसमें मेरे ख्याल से 4 नंबर का था, है ना, ये 7 नंबर का है। तो मैंने तुम्हें कहा कि लॉ में कभी ना नंबर देख के नहीं लिखा करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पेपर ना पेपर बैलेंस हो जाता है। कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें कम लिखना होगा, मार्क्स ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे ज्यादा लिखना होगा, मार्क्स कम होंगे, लेकिन वो पेपर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये भाई वही जीटा एसोसिएट वाला सेम। अब ये कहता है वो कंडीशन बता दो अंडर विच द लाइसेंस मे बी रिवोक्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा पार्ट है, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, 4 नंबर का, वो भी बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस वाले टाइम पे ये कम कम एरिया होता था, ये तो 4 नंबर उस वक्त जस्टिफाइड, अब नहीं है, अब आएगा तो ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये एक बेंचमार्क सवाल है इस चैप्टर का, इसके अंदर एक ही सवाल में पूरा टॉपिक कवर कर लिया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। पहले बोल रहा है कि कंडीशन बता दो जिसपे लाइसेंस मिलेगा, रीजन बता दो जिसपे लाइसेंस रिवोक होगा, और अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अभी हम अपना पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक, ठीक है। तो एक आसान सा सवाल है, सही आसान सा सवाल है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तुम लोग ड्राफ्ट करना और मुझे चेक करा सकते हो भले क्लास के बाद व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है। इतना कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला सवाल है। अच्छा, कहता है द कमीशन में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग आफ्टर अफोर्डिंग द अल्फला एसोसिएट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड रिवोक अ लाइसेंस ग्रांटेड विद सच डायरेक्शन। अच्छा, आंसर में डिस्कस कर रहा हूँ किसका, इसका, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल वही वाला है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वही वाले पॉइंट्स हैं, कंपनी की जगह अल्फला एसोसिएट लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक पॉइंट पढ़ो, बी ए हम पढ़ते हैं द अल्फा एसोसिएट और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स और कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस इज ग्रांटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट और एनी रेगुलेशन मेड नॉट और कंप्लाइड विद। चाहिए जैसे कि जो हमने उस वाले पार्ट ए में पढ़ा था जीटा एसोसिएट्स वाले में, अगर आप चाहो तो ये जर्नल भी लिख लो, ठीक है, लेकिन यहाँ 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर है, तो जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, सॉरी, अगर मार्क्स ज्यादा हो, 7 नंबर तो उसमें, अगर मार्क्स ज्यादा हो तो तुम क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को खोल के भी लिख सकते हो कि डिविडेंड नहीं देगी, सॉवरेंटी के खिलाफ काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कम हो, मार्क्स कम हो, तो तुम ये जर्नल लाइन से भी काम चला सकते हो। सही है, टेक्निक है ये, अब फिक्स नहीं हो सकती, ये सिचुएशन के हिसाब से हो सकती है। पेपर में 11 नंबर का, 10 नंबर का सवाल पड़ा हुआ, फिर जाहिर सी बात है इस पॉइंट को तुम्हें खोल के थोड़ा लिखना पड़ेगा। 4-5 नंबर का सवाल है, ठीक है, वैसे ही इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको भले हम एक जनरल लाइन के तौर पे भी चला सकते हैं, ले रहे हैं जी। फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्टेड इन प्री जुडिशियल टू द मैनर, सही है भाई, प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार दो कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल, सारा वही है, देखो कॉपी पेस्ट, इसको डिस्कस करने जैसा है ही नहीं इसमें, ठीक है। काम की चीज है एग्जामिनर कमेंट, आए वो पढ़ते हैं, पार्ट ए का पढ़ लें जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी है ताकि लाइसेंस मिले। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ विच द कमीशन मे इशू लाइसेंस टू कंपनी, ठीक है, एंड अलाउ इट टू डिस्पेंस विद द वर्ड लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम। However, many students fail to mention that while issuing a license, the commission may require the association to fulfill certain conditions and regulations that shall be binding on the association. वही वाली बात, दोबारा एग्जामिनर कमेंट, सही है, वही सवाल और वही इशू कि जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि 5 पॉइंट नहीं है, 6 पॉइंट है, छठा पॉइंट बच्चे लिखना भूल जाते हैं, यहाँ भी वही वाला पॉइंट कह रहा है बच्चे लिखना भूल गए, ठीक है। तो जो मैं गलतियां तो मैं बता रहा हूँ ना,
मेरी, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा, एग्जामिनर बता रहा है, ठीक है। वो 2015 का सवाल था, उसमें भी वही मसला किया। अगर 2015 वाले बच्चे ये एग्जामिनर कमेंट पढ़ के जाते 2011 वाला, तो शायद ये गलती रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो ये बड़ा रीजन होता है, सवाल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना एग्जामिनर कमेंट होता है। मैंने सबसे ज्यादा चीज ये सिखाती है आपको, तो इस टॉपिक के साथ, इस पैराग्राफ के साथ लिख देना कि भाई ये लिख के आना, उन पांच के साथ भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, पार्ट बी में कहता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट एवरेज मार्क्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउएवर सम ऑफ द कैंडिडेट्स इनकरेक्टली स्टेटेड दैट ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस द कंपनी शैल लूज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। आगे बढ़ जाएं भाई, ठीक है। तो उस पैराग्राफ के पॉइंट्स छठे के साथ लिख दो कि भाई ये इनके साथ है, इसमें लिखना है। चलें जी, इस टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट, इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि अब मेरा लाइसेंस रिवोक हो गया है, अब क्या करूं, ठीक है। तो कहता है ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बाय द कमीशन, सबसे पहली चीज, द कंपनी शल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज, ठीक है, सारी एक्टिविटीज बंद कर देगी, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज अलाउ होगी, द कंपनी शल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएगी, सिर्फ एक चीज अलाउड होगी, कौन सी, वो है रिकवरी ऑफ मनी, कि मुझे पैसा लेना है अगर किसी से, ठीक है, पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है मेरा किसी, तो मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी, अदर रिसीवेबल वगैरह है मेरे, मेरा कोई, तो मैं वो ले सकता हूँ, इफ एनी, सही है जी। लाइसेंस रिवोक होने की, लाइसेंस रिवोक होने का पहला इफेक्ट। फिर हमारे पास आता है द कंपनी शल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, कह रहा है कि आप कोई इश्तेहारात नहीं दे सकते डोनेशन के, आप किसी का कोई चंदा रेज नहीं कर सकते कहीं से, कोई डोनेशन नहीं, तो इन वन वर्ड के डोनेशन बंद कर दी जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, डोनेशन बंद कर दी जाएंगे, भाई पहली चीज सारी एक्टिविटीज बंद कर दोगे, सिवाय सारी एक्टिविटीज बंद कर दो, मुराद अगर मेरा हॉस्पिटल है तो बंद कर दो, रोक दो एक्टिविटीज, नहीं है अलाउड, लाइसेंस रिवोक हो गया, ठीक है। और सिर्फ एक चीज कर सकते हो कि पैसा जो रिकवर करना है वो कर लो। दूसरी चीज, डोनेशन बंद, डोनेशन नहीं मांग सकते मजीद। फिर तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज कहता है ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द डेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रिफरेबली हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू दोज ऑफ द कंपनी within 90 days from the revocation of the license or such extended period as may be allowed by the commission. So point number C समझो, point number C में कहता है कि भाई अब तुमने सारी activities भी रोक दी हैं, donation भी बंद कर दी हैं, लेकिन तुम्हारे पास assets तो पड़े हैं ना company में, assets तो पड़े हैं, तो कह रहा है उन assets को बेच, उन assets में से liabilities हटा दो, तो मेरे पास क्या बच गए, net assets बच गए, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए के एसेट्स थे, 20 रुपए की लाइबिलिटीज थी, अब मेरे पास क्या बचा, 80 रुपए के नेट एसेट्स बचे। कह रहा है जो ये तुम्हारे पास बचे है ना, ये तुम दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दो, वो कंपनी कौन सी होगी, वो कंपनी भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, और प्रेफरेबली कौन सी होनी चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाली होनी चाहिए। आप एक जो है हॉस्पिटल चला रहे हो एनपीओ, आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, तो आपके एसेट किसको जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल को जो एनपीओ होगा, ठीक है जी। कितने दिन में, 90 दिन के अंदर लाइसेंस रिवोक होने से, 90 दिन के अंदर लाइसेंस रिवोक होने से, ठीक है जी, बिल्कुल सामने वाली कंपनी के बैठे बैठाए मजे हो गए फ्री में, ठीक है जी। तो अगर मैं, मेरा लाइसेंस रिवोक हो गया, सही है, ये देखो साइड में एक चीज बना रहा हूँ, लाइसेंस रिवोक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 90 दिन में अपने नेट एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी एनपीओ को, सिमिलर,
ठीक है, सिमिलर एनपीओ को, ऐसा ही है। कहता है हाउएवर अ रीजनेबल अमाउंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर मे बी रिटेन बाय द कंपनी। कहता है कि भाई होता यह है कि जब लाइसेंस रिवोक हो गया, एसेट्स चले गए, अब कंपनी को बोला जाता है आप वाइंडिंग अप की तरफ जाओ। वाइंडिंग अप कैसे होती है, पूरी डिटेल ग्रेड है इसकी 15 नंबर की, ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है। तो ये कहता है कि अब तुम कंपनी क्या करो, अब तुम्हारा लाइसेंस भी रिवोक हो गया है, तुम वाइंडिंग अप की तरफ चली जाओ। लेकिन वाइंडिंग अप फ्री में नहीं होती, ठीक है, कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, लीगल लोग अपॉइंट होते हैं, उनकी फीस होती है, कुछ खर्चे होते हैं। तो कहता है उतना खर्चा साइड में कर लो, ठीक है, उतना खर्चा साइड में कर लो, आप क्या चले जाओ, वाइंडिंग अप की तरफ चले जाओ, सही है जी। फिर अगला पॉइंट, वही चेन चल रही है मेरी, अब कह रहा है रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो अभी पढ़ी, आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट, के भाई अब मैंने डोनेशन बंद कर दिए, सारी एक्टिविटीज बंद कर दिए, एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लायंस अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर से वो चेन बना रहा हूं, लाइसेंस रिवोक हुआ, ठीक है, तो लाइसेंस रिवोक हुआ, कुछ कंडीशन मैंने पूरी कर ली, ठीक है, 90 दिन के अंदर मुझे एसेट्स भी ट्रांसफर करने थे, अब 90 दिन के अंदर करने थे, लेट से मैंने आखिरी दिन पे ही किए, 90 दिन पे ही किए, ठीक है, आखिरी जो 90 वाला दिन था उस दिन किए। अब कह रहा है कि जिस दिन तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब 15 दिन में तुम रिपोर्ट जमा करा दो, 15 दिन में तुम रिपोर्ट जमा करा दो रजिस्ट्रार, बात समझ आ रही है। तो रिपोर्ट जमा कराने तक लेट से मैंने 15वें दिन पे ही जमा कराई, तो कितने दिन हो गए, 105 दिन हो गए एसेट ट्रांसफर से, ऐसा ही है, समझ रहे हो। हाँ अंदर भी कर सकते हो, मैं 30 दिन में कर लूँ, ठीक है, फिर ये 15 दिन 30 दिन से हो जाएंगे शुरू, ठीक है, लेकिन कोई कंपनी क्यों खुद जल्दबाजी करेगी, ठीक है, तो वो पूरा टाइम एक्सटेंड पूरा टाइम लेती है। तुम लोग आईकैप की फीस जमा कराते हो, एक महीना होता है, लेकिन आखिरी दिन पे जमा कराते हो ना सारे, ठीक है, तो सारा ये सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है भाई। तो भाई कंडीशंस पूरी करने के लिए मेरे पास 90 दिन है, फिर जैसे ही कंडीशन पूरी कर ली, 15 दिन है कि तुम उसकी एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराओ कि भाई हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है जो जो आपने बोला था, आगे बताएं क्या करें। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार। आपने 15 दिन लगाए रिपोर्ट जमा कराने में, ठीक है, रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, अब उसके 30 दिन में, 30 दिन में आपको वाइंडिंग अप करनी है, आपको वाइंडिंग अप करनी है, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट। दिन देख रहे हो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 90 दिन मेरे शुरू हो रहे हैं जिस दिन मैंने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, एसेट वगैरह ट्रांसफर कर लिए, ठीक है, फिर मैंने जिस दिन सारी कंप्लायंस कर ली उस दिन से 15 दिन शुरू हो रहे हैं कि रिपोर्ट जमा करा दो। फिर जो वाइंडिंग अप के 30 दिन है वो तब से शुरू हो रहे हैं जब रजिस्ट्रार ने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, बोले अब इस 30 दिन से तुम वाइंडिंग अप की तरफ चले जाओ। विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार submitted by the company, the board shall initiate necessary proceeding for winding up of the company voluntarily. पहले इसको यहाँ तक समझते हैं। मोहम्मद ताद, 3 requests and 1 reply, क्या है? अच्छा भाई सही है, 30 दिन में जब उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके 30 दिन में आपको वाइंडिंग अप करनी है, सही है, क्योंकि उसके पैसे भी मैंने साइड पे कर लिए थे वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है, आपने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर लेनी है। अब जो और है ना, इसके बाद दूसरा केस है, ये केस तब का था जब मेरे पास एसेट्स वगैरह थे, सारी चीजें थी, सही है, ओके चल रही थी कंपनी,
तो मैंने क्या किया था, सारे ट्रांसफर कर लिए थे, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली थी। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये रिपोर्ट ही ना जमा करानी पड़े, मेरे पास कुछ था ही नहीं ट्रांसफर करने को, कुछ बचा ही नहीं था। सही है, खाली खाली मुझे सिर्फ नाम हटाना था, ठीक है। तो अगर ये वाला केस है कि खाली खाली नाम हटाना है, तो कह रहा है वेयर इट हैज नो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी। इस रिपोर्ट की जगह फिर हम क्या करेंगे, खाली खाली उसको बोलेंगे भाई हमारा नाम रजिस्टर से हटा दो ताकि हम वाइंड अप हो जाए, ठीक है कैसे भाई। एक हो सकता है सिनेरियो, सही है, उसने कवर की है ना सारी चीजें, कोई कंपनी आके बोल दे कि भाई आपने बोला है कि रिपोर्ट जमा करा दो कंप्लायंस की, ठीक है, कंप्लायंस की रिपोर्ट जमा करा दो, एसओ एड्स ट्रांसफर कर दो सारे। कोई आके बोले हमारे तो है ही नहीं, हम क्या करें, तो वो सिनेरियो कैसे कवर होगा। आप डायरेक्टली जाके बोलो कि मेरा नाम जो है रजिस्टर से हटा दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो ताकि मैं वाइंड अप हो जाऊं, ठीक है जी। चेंज समझ आ रही है, एक्सेप्टेंस होगी उस रिपोर्ट की ना। रिपोर्ट ये वाली रिपोर्ट जो है ना, मैं ये यहाँ इसलिए चेन बना रहा हूँ, 90 दिन मुझे लगे, सारे मुझे 90 दिन दिए गए एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए। मतलब यहाँ तक मुझे, मेरे पास कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशन से कंप्लायंस कर ली, पूरी कर ली, उस पूरा करने की रिपोर्ट 15 दिन में मैंने रजिस्ट्रार को दी कि आपने जो कंडीशन लगाई थी मैंने पूरी कर ली। कंडीशन कौन सी, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो ये काम करने, वो वाले काम मैंने कर लिए। रजिस्ट्रार को 15 दिन में बता दिया कि भाई मैंने सारे काम कर लिए हैं जो आपने बोले थे। अब रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, अब उस एक्सेप्ट करने से 30 दिन के अंदर वो कहता है वाइंड अप हो जाओ। सही है, वाइंड अप हो जाओ। अब मैं कहता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के 30 दिन गुजर गए, पहला तो ये केस था ना वाइंड अप हो जाओ, कंपनी नहीं हुई, उसने कहा भाई साइड में हो क्या, मैं तेरी सुनूं, कौन सी तुम्हारी कंडीशन और क्या चीज है, कोई उनसे रिपोर्ट, मैं नहीं मानता किसी चीज को, मैं बेगुनाह हूँ, मैं लाइसेंस रिवोक होने का डिसीजन ही नहीं मानता, मैं नहीं हो रहा वाइंड अप, ठीक है। तो कहता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कमीशन में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर लिया, अगर आपने डिफॉल्ट कर लिया तो कमीशन एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लेगा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब भाई जैसे गवर्नमेंट अच्छी नहीं चल रही होती, गवर्नर राज लगा दो, सही है, फौजी वो लगा दो सारा, ठीक है, मतलब डंडे का कानून, सही है। तो अगर वो खुद से नहीं मानेगा तो कमीशन की तरफ से एक डंडा आएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा जो सारा कंट्रोल ले लेगा और कंपनी को संभालेगा, और वो सारी चीजें जो कंपनी ने करनी थी वाइंडिंग अप वाली, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर करवाएगा। क्लियर है भाई? यार एक सवाल इसका है, तो सर तो एसेट तो वैसे ही ट्रांसफर हो चुके होंगे, 3 रिक्वायरमेंट इन देन रिपोर्ट, बिल्कुल सर तो एसेट वैसे ही ट्रांसफर हो चुके होंगे, बिल्कुल एसेट ट्रांसफर हो चुके होंगे। रजिस्ट्रार को सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि भाई हमने एसेट ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन उन सबको ट्रांसफर करने के लिए 90 दिन है, ये 3 ही रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मेरे पास 90 दिन थे, सही है। फिर रजिस्ट्रार को हमने रिपोर्ट दी, कहा कि भाई एसेट ट्रांसफर हो गए, रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई हाँ ओके, रिपोर्ट देख ली, हाँ यार कर ली है इन्होंने, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर ली। अब जब से वो एक्सेप्ट कर ली, उन 30 दिन के अंदर वाइंड अप करनी है। वाइंडिंग अप में ये करेंगे, एसेट भले ट्रांसफर हो गए, वाइंडिंग अप में मतलब पूरी कंपनी बंद, ऐसा हो जाएगा जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, रजिस्टर से नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सही है जी। अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि भाई हमने कहा कि डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे दूसरी कंपनी को, उस कंपनी के तो बैठे बैठे मजे हैं भाई। अब मैं जाके उनसे डील नहीं कर सकता, कोई डील नहीं कर सकता कि भाई मुझे क्या मिलेगा, अपने एसेट्स तुम्हें दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट्स दे रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सामने वाली कंपनी बोले आओ भाई तुम्हें भी बोर्ड में बिठा देते हैं, तुम भी मजे करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लूप होल हो गया ये तो। हाँ भाई, इसलिए लॉ कहता है कि भाई क्या करोगे तुम, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, एक प्रोविजन लगा दिया, कहता है वेयर
एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड, जब ट्रांसफर हो गए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस रिवोक होने के तहत जो है अगर एसेट ट्रांसफर हो गए दूसरी कंपनी को टू एन अदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, कंपनी ए जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ था उसने कंपनी बी को ट्रांसफर कर दिया, दोनों सिमिलर थी। द मेंबर एंड ऑफिसर्स ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, जिसने ट्रांसफर किया था वो कंपनी ए थी, तो फर्स्ट मेंशन कंपनी हो गई कंपनी ए। कहता है जो कंपनी ए के मेंबर्स हैं और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी, मतलब कंपनी बी में, सही है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स, सही है। तो ऐसा नहीं कि अंधी मची हुई होगी, लॉ ने हर एस्पेक्ट को कवर किया है। उसने कहा कि जहां आपने ट्रांसफर कर दिए एसेट्स दूसरी कंपनी में, तो आप बोर्ड मेंबर्स, आप और आपके फैमिली मेंबर्स 5 साल तक अगले उस कंपनी के बोर्ड में नहीं जा सकते, ठीक है, 5 साल तक नहीं जा सकते। कब से 5 साल गिने जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। बात क्लियर है मेरी ऑनलाइन वालों? हाँ, जो उस हॉस्पिटल के मेंबर्स होंगे, बोर्ड होगा, वो उधर नहीं जा सकते भाई। वरना ये हो सकता है ना कि मैं उनसे जाकर सेटिंग कर लूं कि भाई हम अपने एसेट्स तुम्हें दे रहे हैं, आओ अब यहाँ बैठ के काम करते हैं, वही काम जो हम यहाँ करते थे अब यहाँ करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। चले भाई, स्प्रिंग 2020 एक सवाल है मेरे पास। द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन CRA इशूड अंडर सेक्शन 42, मतलब लाइसेंस मिल चुका था, वॉज रिवोक्ड बाय द कमीशन एज देयर अफेयर ऑफ CRA वर कंडक्टेड इन द मैनर प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। सही है भाई, ये एक ऐसा पॉइंट था जिस कंडीशन के तहत लाइसेंस मिलता था, अगर उसको पूरा नहीं करूं तो लाइसेंस मेरा रिवोक हो सकता है। तो उसने कहा इस कंडीशन को पूरा ना करने की वजह से उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया हमने अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA एंड इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे भाई, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट CRA शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ मनी, और फिर हम लिखेंगे इट शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशंस, ट्रांसफर एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज, 3 पॉइंट ये थे 90 दिन के अंदर। फिर हम बोलेंगे इट शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द कंप्लायंस, सही है। फिर हम कहेंगे विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट रिपोर्ट CRA शैल प्रोसीड फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है। हम कहेंगे इन केस CRA जो है उसने प्रोसीड नहीं किया है, फिर हम कहेंगे द कमीशन में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर हु शैल इनिशिएट द सेम, जो प्रोसीडिंग्स थी सारी, ठीक है। फिर हम लेंगे कि प्रोवाइडेड दैट वेयर CRA ट्रांसफर्स इट्स एसेट टू एनी अदर कंपनी, सही है। और फिर वो 5 साल वाला पॉइंट आ जाएगा, CRA द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ CRA एंड इट्स फैमिली मेंबर्स शैल नॉट फॉर 5 years जो है वहां पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरी ट्रेल कहानी याद आ रही है, समझ आ रही है, सही है। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, पेपर ये पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा फ्यूचर पेपर का हिंट दे रहा हूँ, यहाँ दिमाग चलाओ। लॉ के अंदर कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो कहानी होती, ये पूरी कहानी थी, चेंज चल रही है, लाइसेंस मिलेगा कैसे, लाइसेंस रिवोक हो गया, लाइसेंस रिवोक हो गया तो क्या इफेक्ट्स होंगे। अगर तुम्हें वो कहानी सुना रहे सवाल में, अगर वो कहानी डायरेक्टली तुम्हें ये बोल दे भाई, अगर पूरी कहानी लिखवाएगा तो मार्क्स ज्यादा देने पड़ेंगे, उसके पास मार्क्स बचे हैं 3 या 3.5-4 नंबर, उसको ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है, ठीक है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि बोले CRA एक कंपनी है जिसके वो लाइसेंस रिवोक हो गया और रिवोक होने के बाद उन्होंने सारी एक्टिविटीज बंद कर दी हैं, अपने एसेट्स जो हैं वो DRA को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब बताओ आगे क्या होगा, तो मेरी कहानी कहाँ से शुरू होगी? रिपोर्ट से शुरू होगी मेरी कहानी, ठीक है, कि मैंने कहा कि उसने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, हम बोलेंगे CRA रिपोर्ट जमा कराएगा रजिस्ट्रार को, फिर समझ रहे हो मेरी बात, कि जरूरी नहीं है शुरू से, ये पूरी कहानी एक सीक्वेंस है, लॉ समझो,
जब उसको वही सवाल कम मार्क्स के लिए पूछना है तो वो सीक्वेंस में कहीं बीच में बिठा देगा, बोलेगा अब आगे चलाओ कहानी। ठीक है, तो इस केस के अंदर मुझे पूरी कहानी लिखना इज इररेलेवेंट। वो कहीं सवाल में ऐसी हिंट देगा तुम्हें, ऐसी लाइन लिख के देगा तुम्हें, कैच होना चाहिए कि भाई इस पे मुझे इस पॉइंट पे बिठाया, अब मुझे यहाँ से आगे लेके जाना। सही है, तो सारा रिपीट करने की नीड नहीं है, इस तरह पूछा नहीं है, एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसा आ सकता है क्योंकि ये लेंदी है। सही, क्योंकि बड़ा है टॉपिक, अगर ये पूछेगा इतने नंबर का, 10-12 नंबर का, तो बाकी पेपर में क्या पूछेगा। तो इसको ये कॉन्सेप्ट पूछना होगा, तो इस तरह पूछ सकते हैं। सही है भाई, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वही कॉपी पेस्ट है। अगेन जब तुम लोग करो ये ड्राफ्ट करो, जैसे ही ड्राफ्ट करो मुझे चेक कराओ। सही है, मुझे चेक कराओ, मैं तुम्हें उसी वक्त हाथ के हाथ व्हाट्सएप पे चेक करके दे दूंगा। एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं इसका। एग्जामिनीज डिड नॉट नो दैट द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टेक प्लेस ओनली आफ्टर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज, ठीक है जी, बाय द सब्जेक्ट कंपनी, मतलब सीआरए। ओनली फ्यू एग्जामिनीज वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सीआरए कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन टू द कमीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इट्स एसेट्स। जहां 90 दिन वाली बात लिखी है ना, उसके साथ एक लफ्ज लिखा है और द एक्सटेंडेड पीरियड एज द कमीशन में थिंक फिट। सही है, तो 90 दिन भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर ऐसे कोई रीजन आ गए हैं, सैलाब आ गया है, मुल्क में कोई मसला आ गया है, सारी चीजें बंद है, कोविड है, कोई जस्टिफाइड रीजन होगा तो कमीशन उस 90 दिन को एक्सटेंड कर सकता है। सही है, फ्यू एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट फंड मे बी रिटेन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वो वाला पॉइंट मिस कर लिया बच्चों ने, कि जब आप ऐसे ट्रांसफर करोगे उसमें से कुछ पैसे रख सकते हो वाइंडिंग अप के लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिस किया बच्चों ने। अब देख रहे हो कोई ऐसी टेक्निकल ब्लेंडर मारा है किसी ने? नहीं, सिर्फ ऐसा ब्लेंडर मारा है कि भाई याद नहीं है, जब चीजें मुझे याद नहीं होती ना तो मुझसे मिस होती है, अच्छे से याद है मजा ले, ये कोई सीधा कॉपी पेस्ट सवाल है, ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है, ये तो फ्री के मार्क्स वाला सिनेरियो है। ठीक है, एग्जामिनीज न्यू दैट द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ट्रांसफर्स ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड ऑफिस इन द ट्रांसफरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिड नॉट मेंशन द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उन्होंने कहा कि वहां काम नहीं कर सकते, लेकिन कब तक नहीं कर सकते, 5 साल, ये नहीं लिखा। ठीक है, सम ऑफ द एग्जामिनीज एरेनियसली मेंशनड स्टेप्स रिलेटेड टू द कंपनीज वाइंडिंग अप व्हिच वर नॉट रिक्वायर्ड। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कुछ चीजें वो लिख के दी मैंने दी, जो उसने बोला कि मैंने पूछी ही नहीं है, मैंने पूछी ही नहीं। क्लियर है जी? तो इस तरह के सवाल दुआ करो पेपर में आए। ये ऐसे सिनेरियो हैं जो हैं नाम के सिनेरियो, लेकिन अगर तुम्हारे बैकएंड पे मेमोरी है, याद है, तुमने कंपनी की जगह सीआरए लिख दिया, चिपका दिया कॉपी पेस्ट, फुल नंबर, फुल नंबर। अगर तुमने सारे पॉइंट्स डिलीवर किए हैं तो फुल नंबर देगा। सर ऐसे ट्रांसफर एज सेल होंगे? नहीं, सेल नहीं होंगे भाई, पैसे वैसे नहीं होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना पैसा वैसे ही नहीं था, आम जनता का पैसा था, डोनेशन से आया था, तो अब आप बंद होने जा रहे हो तो वो एसेट दूसरे के पास चले जाएंगे। एसेट्स के अंदर कोई राइट नहीं होता। ठीक है जी, था क्लियर है भाई यहां तक हम लोग? अच्छा, इसी के साथ हमने अपने 4 टॉपिक्स मुका दिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, पांचवा टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, अभी हम कुछ और काम करने जा रहे हैं। अभी मैं करने जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 4 को स्टडी टेक्स से, और फिर इसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। सही है जी, समझ आ रहा है? रीडेबल है? ठीक है,
एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, नहीं दे दो कल मेरी क्लास नहीं रखो कुछ। सही भाई, कल आप लोगों की क्लास नहीं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सर हमने पढ़ा कि पहले लाइसेंस मिलेगा किन कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है, सेक्शन 42 वाली लाइसेंस मिलेगा अगर कमीशन सेटिस्फाई हो गया। सेम जो हमारे नोट्स के अंदर वर्डिंग है सेम यहीं से बनाया मैंने, यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट किया, यही बनता है। सही है, किस लिए बनाओ, फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स आर्ट्स। अच्छा, इसके अंदर वो वाला पॉइंट नहीं है कि एलिजिबल हो लिमिटेड कंपनी बनने के, ये वाला पॉइंट मैंने पास पेपर के आंसर से उठाया एग्जामिनर के। सही है, जब वो आंसर देता है अपना तो ये पॉइंट उसमें ऐड करता है, तो हमने इसलिए अपने नोट्स में ऐड कर दिया था। आप यहाँ पे वाला पॉइंट डाल देना, फिर यहाँ से सारा सेम ही है, फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स आर्ट्स साइंस वगैरह के लिए बनी हो, ठीक है, और ये कंपनी क्या करती हो, इंटेंड्स टू अप्लाई कंपनीज प्रॉफिट अदर इनकम, जो है प्रॉफिट और अदर इनकम अपना ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगाती हो। तीसरा पॉइंट, डिविडेंड प्रोहिबिटेड हो, डिविडेंड नहीं दे सकती, और जो है एक्टिविटीज जो है वो मुल्क के खिलाफ नहीं है, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं है। ठीक है भाई, यही पॉइंट हमने पढ़े थे। कौन सा पॉइंट वो रेवोकेशन में अंदर है, ठीक है, ये लाइसेंस मिलने वाले पॉइंट है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर का एक्स्ट्रा टैक्स में भी अल्फा एसोसिएट्स अभी हमने कर लिया, जीटा एसोसिएट होना चाहिए था, वो इसने यहाँ नहीं डाला है, हमने वो भी कर लिया, एडिशनली किया है। फिर ये पॉइंट नंबर छठा जिसको मैं बोलता हूँ बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कंडीशन एंड रेगुलेशन, कि कुछ एडिशन रेगुलेशन या कंडीशन लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, ठीक है भाई। फिर फॉर्म पढ़ा हमने, कहा टेबल एफ होता है मेमोरेंडम इसका, फिर ये वाला पॉइंट भी हमने देख लिया, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। हमने कहा अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बन रहे हो लेकिन आप बैक एंड पे हो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी या लिमिटेड कंपनी, तो आपके सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वही वाले होंगे। सही है, यहाँ तक हमने देख लिया कि लाइसेंस मिलता कैसे है। फिर ये यहाँ से हमने आज पढ़ा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, के लाइसेंस जाएगा कैसे, सेम वही पॉइंट है सारे, कॉपी पेस्ट ए बी सी डी एफ जी एच से लेके सारे पॉइंट, ठीक है जी। तुम लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद यहाँ से करना है, अगर कोई मेरे पीपीटी से करना चाहे तो उसकी मर्जी है, वहां से भी कर ले, ठीक है। ये आपके पास हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी इसलिए कह रहा हूँ, अगर मेरे पीपीटी चाहिए तो बता दो, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं कंप्लीट चैप्टर का हैंडआउट नीचे रखवा दूँ, फोटोकॉपियर से तुम लोग लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ से रेफर करो, यहाँ से याद करो, तुम लोगों की मर्जी है। जैसे उसमें एडवांटेज ये है कि तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है मेरे नोट्स में और सवाल नीचे चिपका हुआ है, ये एक एडवांटेज है, ठीक है जी। फिर हमने कहा लाइसेंस जाएगा लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के बाद ही जाएगा, सही है जी। फिर आखिरी चीज अभी हमने देखी इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो इसमें भी तुम लोग देखो वही वाले सारे काम है कि पहले स्टॉप हो जाएंगी एक्टिविटीज सारी, ठीक है, और डोनेशन नहीं दे सकेंगे, एसेट ट्रांसफर करने हैं 90 दिन में, या फिर एक्सटेंडेड पीरियड अगर एक्सटेंड कर दे कमीशन 90 दिन, रीजनेबल अमाउंट आपने रखनी है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप मीट करने के लिए। फिर कहानी आगे खुद बताओ तुम लोग क्या होगी, वही वाली रिपोर्ट होगी रजिस्ट्रार को 15 दिन में कि हमने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है, आगे बता दे क्या करें। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ दैट रिपोर्ट 30 दिन में वाइंडिंग अप करनी होगी, नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वही वाली बात, वही 5 साल वाला पॉइंट है कि जहाँ ऐसे ट्रांसफर हुए तो इस कंपनी का बोर्ड उस कंपनी में नहीं जा सकता 5 साल के लिए। ये सीआरए वाला सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आके आपने दिया हुआ है, पास पेपर का सवाल है, हमने भी कर लिया, ठीक है, हमने एग्जामिनर कमेंट्स के साथ किया है, वो यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स नहीं लगाता। फिर ये एक सवाल है, आए ये देखते हैं, कहता है मैनेजमेंट ऑफ शरीर जनरल हॉस्पिटल एस जी एच अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 रिसीव्ड शो कॉज नोटिस फ्रॉम द कमीशन ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस। सही है, अब लाइसेंस रिवोक करने का इंटेंशन है कमीशन का,
ये शरीर जो है जनरल हॉस्पिटल एसजीएच को बुला रही है, शो कॉज नोटिस दिया, बिकॉज द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द अफेयर ऑफ एसजीएच आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, एसजीएच मैनेजमेंट वॉज अनएबल टू डिफेंड देयर पोजिशन. जब उन्होंने बुलाया तो डिफेंड नहीं कर सक रहे थे, तो फिर क्या किया, एंड फाइनली द कमीशन रिवोक्ड एसजीएच लाइसेंस ऑन 13 जनवरी 2020 एंड ऑर्डर्ड ऑफ ऑल इट्स एसेट ट्रांसफर बाय 11 अप्रैल 2020. सही है, 13 जनवरी को लाइसेंस रिवोक कर दिया और कहा 11 अप्रैल तक अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दो. मतलब ये वो कंडीशंस लगा दें, रिक्वायरमेंट ठीक है, जिसको फुलफिल करके 15 दिन में रिपोर्ट जमा करानी होती है. एसजीएच मैनेजमेंट ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू गुड आई हॉस्पिटल जीईएच, अ कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी. देख रहे हो अब ये स्टोरी में कहाँ पहुंचा रहा है, बोल रहा है उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन 3 अप्रैल 2020. 11 अप्रैल तक की डेडलाइन थी, उसने 3 अप्रैल पे कर लिया. मना है नहीं, ये जो टाइम पीरियड है ये मैक्सिमम होता है, उसके नीचे कर सकते हो. इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ जीएच शैल नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन ईजीएच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर दैट इज बाय 2 अप्रैल 2025. सही है, जो 5 साल गिने जाते हैं वो एसेट ट्रांसफर कब हुए उस दिन से गिने जाते हैं, तो कहां से गिने जाएंगे. सही है भाई, क्लियर है. एक एग्जाम्पल दी थी इसने ये समझाने के लिए. इसी तरह मैं तुम्हें कह रहा था कि कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो मेरे पास शुरू ही कहां से हो, जो मेरे पास शुरू ही कहानी कहीं और वो खड़ा करके देते कहानी. अगर यहाँ पे वो पूछता कि बताओ एसजीएच अब क्या करेगी, हमने कहा भाई वो दे चुकी है, ट्रांसफर कर चुकी है, अब रिपोर्ट जमा कराएगी, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह, यहाँ से शुरू होती कहानी. क्लियर है जी भाई, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में किसी को कोई मसला शिकायत. क्लियर है, चलें जी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. कल हमारी कोई क्लास नहीं है क्योंकि कल सर आकाश को क्लास चाहिए इस टाइम पे. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं परसों. अल्लाह हाफिज़.